हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं आप सब? आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, सभी तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। और मैं अभी अपने न्यूट्रिशन क्लब जा रहा हूँ, सेक्टर 10, जो जोनल मार्केट भिलाई में स्थित है। वहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं हेल्थ वाइज, वजन नियंत्रित कैसे रखें, ड्रग फ्री लाइफ कैसे जिए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग अभी रोड में वॉक कर रहे हैं और गाड़ियाँ चालू हो गई है। फाइनली मैं चौक तक पहुंच गया। अब सेक्टर 10 सेक्टर में पहुंच रहा हूं। ये रोड जो है ग्लोब चौक जाने का रास्ता है। अगर हम सीधा जाते हैं तो ग्लोब चौक पहुंचते हैं, और पीछे से सीधा जाते हैं तो सेक्टर 9 हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सो गाइस, सवेरे सवेरे चलना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो हमें वॉक ज़रूर करना चाहिए टाइम निकाल के थोड़ा सा। और उसके बाद नॉर्मल वर्कआउट भी हमें करना चाहिए, ताकि हमारे हाथ पैर बाकी पार्ट्स अच्छे से मूवमेंट करते रहें। सो फाइनली मैं पहुंच गया सेक्टर 10 एरिया। अभी यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित की गई है, और वहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं पहुंच गया फाइनली दुर्गा पंडाल के पास। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पे बनाया गया है, और अभी दुर्गा माँ का जो पट है वो बंद है। बहुत बड़ा सा पंडाल यहाँ पे बनाया गया है, और मेरे बाजू में आप देख सकते हैं बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, डांसिंग झूला, आकाश झूला, इधर ड्रैगन झूला, बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर झूला, जैसे आप देख सकते हैं कैमरे में। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई है जो अभी नवरात्रि के लिए बनाया गया है। सो आप देख सकते हैं पंडाल को, मैं इसका सामने से दिखाता हूँ। ये दुर्गा पंडाल है, आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें यहाँ पे बनी हुई हैं। आगे भी कुछ झूले लगे हुए हैं, आकाश झूला, डांसिंग झूला, और कुछ कुछ झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी झूले लगे हुए हैं, और सो अभी मैं जोनल मार्केट पहुंचने वाला हूं, जो मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में है, और मैं डेली चल के ही आता हूं, क्योंकि चल के आने से बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे लोगों को चलते हुए उनके हाव भाव कैसे हैं एब्जॉर्ब कर सकते हैं,
तो ये अच्छा लगता है। और प्राकृतिक का नज़ारा, भिलाई तो हरियाली के लिए फेमस है, बहुत हरियाली यहाँ पे, पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं। सो फाइनली मैं जूनागढ़ मार्केट पहुँच गया। जूनागढ़ मार्केट को एजुकेशन का हब भी कहते हैं, और यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का भी बहुत सारी कामें होती हैं, जैसे बहुत सारी कार का यहाँ पे रिपेयरिंग होना, कार श्रृंगार करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे मैंने बताया अभी, आप देख सकते हैं बहुत सारी कारें खड़ी है जो रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, IIT, JEE, NEET, 6 to 12th क्लास, सारी चीज़ों की यहाँ पे कोचिंग होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सो फाइनल मैं चौक के पास पहुंच गया। यहाँ से मैं राइट लेके अपने न्यूट्रिशन क्लब पहुंचूंगा। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधाएं भी है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बच्चे यहाँ पे रुकते हैं, रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। सो फाइनली मैं अपना मंजिल पहुंच गया, अपने मंजिल को पहुंच गया मैं। और मैं अपने न्यूट्रिशन क्लब को दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे मंदिर है, बैग मंदिर के बैग में मेरा न्यूट्रिशन क्लब है। सो थैंक यू एवरीवन।